मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। आज हम इस वीडियो में कर्नाटका स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इनकी फीस रह सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है 21 के लिए और इसमें सीट कितनी है, क्योंकि कर्नाटका स्टेट में काफी सारे स्टूडेंट का सपना होता है जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन नहीं होता है, वो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ से थोड़े नीचे वाले स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन बहुत ही अच्छी है और यहाँ से MBBS करने के बाद स्टूडेंट को PG में काफी सहायता मिलती है। तो हम इन सभी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। कर्नाटका के सभी प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं। मैं जब बेंगलोर में पोस्टेड था तो रमैया में काफी बार जा चुका हूं। इसके अलावा बाकी काफी सारे कॉलेज में भी मैं विजिट कर चुका हूं। तो सारे कॉलेज कर्नाटका के बहुत ही अच्छे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है और क्या इनकी फीस रह सकती है इस साल के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रहती है वो एक्चुअली फीस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फीस ज्यादा होती है तो उस ईयर में कट ऑफ कम जाती है, अगर फीस कम रहती है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। तो कर्नाटका के जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनकी फीस हर साल इंक्रीज होती रहती है। तो हम सबसे पहले फीस का देख लेते हैं कि कितनी फीस रह सकती है इस साल। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक चीज यही बता देता हूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, आयुष वेटनरी की बुक लिख दी है और इसमें ओपन स्टेट के बारे में भी अच्छी तरह समझाया गया है स्टेट बुक में कि कौन कौन से ओपन स्टेट हैं, कहां आपको सीट मिल सकती है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दी हुई है तो आप उससे 20 या 15 मार्क्स कम करके आइडिया लगा सकते हैं कि आपको सीट कहां मिल सकती है। तो वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसमें एडमिशन प्रोसीजर भी बता दिया है कि कैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकेंड राउंड में क्या करना है, फीस क्या है उनकी। इसके बाद में आपको एक उसमें च्वाइस लिस्ट भी दी गई है कि इसके अकॉर्डिंग आप च्वाइस फिल कर सकते हैं। तो ये उसमें पूरी जानकारी दी गई है आपके लिए, वो बुक काफी हेल्पफुल रहेगी आप 21 में एडमिशन देख रहे हैं। तो अभी हम सबसे पहले कर्नाटका स्टेट की फीस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए फीस बहुत मैटर करती है। कर्नाटका स्टेट एक ओपन स्टेट है, यहां पर टोटल 34 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। इन 34 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 15% सीट आउटसाइडर के लिए रिजर्व हैं, यानी कि टोटल 643 सीट्स ये अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं कर्नाटका स्टेट में। कोई भी स्टेट का कैंडिडेट हो इन 643 ओपन सीट पर एडमिशन ले सकता है। तो इस बार के लिए इसमें कुछ सीटें इंक्रीज भी होंगी, लेकिन ये 643 सीट्स तो है ही आउटर साइडर के लिए। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें फीस की हम बात करते हैं। तो फीस की बात करें हम तो इसकी जो फीस थी वो 2020 में जो इसकी फीस थी वो 9,81,956 रुपए थी, 9,81,956 रुपीज ये फीस थी 2020 में, ये 2020 में थी। तो ये फीस हमेशा इंक्रीज होती रहती है, हर साल इनकी फीस इंक्रीज होती है। अब मैं 16 से आपको बताऊं, 2016 में कर्नाटका स्टेट की जो फीस थी वो 5.75 थी, यानी कि 5,75,000 थी। उस समय 10% का हर साल इंक्रीमेंट होता था। मैं फीस के आपको यहां इसलिए बता रहा हूं कि फीस बहुत मैटर करती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कर्नाटका स्टेट में। तो 2016 में ये फीस थी, 2017 की अगर मैं बात करूं तो इसमें 6,33,000 फीस थी, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट हुआ था। 18 में भी इसमें 10% का इंक्रीमेंट होके 6,83,000 हो गई थी।
19 में हम अगर यहाँ बात करें, ये तीन साल में तो इसमें इंक्रीज हुई थी 10%, लेकिन 19 में ये 15% इंक्रीज होकर के 7,85,000 हो गई थी इसकी ट्यूशन फीस। इसमें 15,000 रुपए यूनिवर्सिटी चार्ज लगता है, यूनिवर्सिटी फीस लगती है। इससे फिर एक 25% का इसमें फिर उछाल आया, वो कौन से ईयर के लिए आया, 2020 में 25% फीस इंक्रीज हो गए, 9,81,956 हो गई। तो ये इस प्रकार से हर साल कर्नाटका की फीस इंक्रीज होती है। अगर अभी 21 में फीस इंक्रीज होती है 25%, तो हम 2020 की फीस को मान के चलते हैं 10 लाख रुपीज, 2020 की फीस 10 लाख रुपीज मान के चलते हैं हम। अभी 21 में अगर फीस इंक्रीज होती है 25%, तो 2.5 लाख यहाँ इंक्रीज हो जाएगी और ये 12.5 लाख रुपीज फीस हो जाएगी कर्नाटका स्टेट की, अगर पिछली साल की तरह इसकी फीस इंक्रीज हुई तो। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये सिर्फ ट्यूशन फीस ही है, यहाँ पर ये ट्यूशन फीस ही है 12.5 लाख रुपए। इसके अलावा जो अदर चार्जेज लगता है, यूनिवर्सिटी फीस 15,000 रुपए लगता है, इसमें अदर फीस भी 15,000 रुपए लगता है, हॉस्टल अलग अलग है, कॉलेज का 45,000 के नियर बाई, किसी का 75 है, इसलिए ये सारा इसके अलावा ट्यूशन फीस के अलावा अदर एक्सपेंस देखें हम तो 1 लाख रुपीज आराम से हो जाता है हर एक कॉलेजेज में, तो 1 लाख रुपीज ये हो जाता है। तो अगर 25% इंक्रीज होती है तो 13.50 लाख रुपीज इसकी फीस हो जाएगी 21 के लिए आपको ये फीस पे करनी होगी हर साल, जिसमें मैथ्स वगैरह का या आपका एक्सपेंस वगैरह सारा इसमें एक्सपेंडिचर आ गया। अब हम बात करते हैं अगर ये 15% बढ़ती है, अगर ये 15% बढ़ती है तो 1.5 लाख रुपए बढ़ेगी, तो 1.5 लाख रुपए बढ़ेगी तो ये 12.5 लाख रुपए हो जाएगी। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन बता दी हैं। अगर फीस इस बार कर्नाटका स्टेट की 15% इंक्रीज होती है तो 12.5 लाख रुपए होगा आपका टोटल एक्सपेंस, इसके बाद अगर 25% होती है तो 13.5 लाख रुपए होगा। तो ये दोनों मैटर करते हैं कट ऑफ पर। तो अभी हम ये जजमेंट नहीं लगा सकते कि फीस कितनी इंक्रीज हो सकती है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 10 से 25% तक कितनी भी इंक्रीज हो सकती है, इसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। हमने सीट की बात कर ली है, फीस की बात कर ली है। मैं आपको यहां एक चीज और बता दूं, कर्नाटका स्टेट में दो प्रकार की सीटें हैं, एक प्राइवेट सीट है, एक तो प्राइवेट सीट है जिसकी 643 सीट्स मैंने बता दी, एक अदर फीस होती है और एनआरआई और अदर फीस होती है, ये सेम होती है। तो ये 30 लाख पर ईयर, ये मैंने जो फीस बताई आपको पर ईयर की है, 30 लाख पर ईयर से 45 लाख पर ईयर कॉलेज वाइज है, ये किसी कॉलेज की कम है तो किसी की ज्यादा है। तो इन कैटेगरी की अदर की जो सीटें हैं 196 सीट से, और एनआरआई कैटेगरी की जो सीट से वो एनआरआई कैटेगरी की सीट है आपके 289 सीट से। तो इसमें काफी सीट से हैं एनआरआई कैटेगरी की, और वो एनआरआई कैटेगरी की जो लास्ट में कॉलेज में स्टे राउंड होता है वो अदर कोटा में कन्वर्ट कर दी जाती है। यहां पर एक बात का ध्यान रखना, ये जो एनआरआई की सीटें हैं वो प्राइवेट कोटा में कभी नहीं जाती हैं, वो अदर कोटा में जाती हैं, दोनों की फीस सिमिलर होती है। उसके बाद में कॉलेज इनमें स्टे वैकेंसी राउंड में नेगोशिएट करके फीस निर्धारित करती है, तो वो बाद में आपको बता देंगे। अदर कोटा की फीस काफी ज्यादा है यहां पर, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें अदर कोटा की फीस 30 से 45 लाख रुपए के बीच में पड़ेगी, लेकिन जो इसमें एडमिशन होता है वो क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी हो जाता है इसमें। अब हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, तो जब कट ऑफ के बारे में इसमें हम बात करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि 21 में क्या कट ऑफ रह सकती है।
तो 21 में कट ऑफ अगर फीस रही 13.5 लाख रुपए से लेके 14 लाख रुपीस तक, अगर इसकी फीस रही पर ईयर की, पर एनएम की इतनी फीस रही, तो हम मान लेते हैं कि कट ऑफ 500 के नियर बाई जाएगी, 500 के नियर बाई जाएगी। अगर इसमें फीस थोड़ी कम रही, जैसे 12 लाख के नियर बाई अगर इसकी फीस रह जाती है टोटल, तो ये 520 मार्क्स के नियर बाई कट ऑफ जा सकती है। तो ये जो दोनों कट ऑफ है ये मोपअप राउंड में ही जाएंगी। फर्स्ट और सेकंड राउंड में कट ऑफ काफी ज्यादा रहेगी कर्नाटका स्टेट की, वो 544 के नियर बाई कट ऑफ रह सकती है फर्स्ट और सेकंड राउंड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑनलाइन होता है और मोपअप राउंड ऑफलाइन होता है, इसलिए मोपअप राउंड में इस बार भी कट ऑफ काफी डाउन जाने के आसार हैं। और ये फर्स्ट और सेकंड राउंड में तो इतनी कट ऑफ रह सकती है 540 और 545 के नियर बाई कट ऑफ रह सकती है। अभी हम पिछला देखें इसका 2020 में देखें तो 2020 में ऐसा हुआ था फर्स्ट और सेकंड राउंड में 580 से कट ऑफ नीचे ही नहीं आई थी। मोपअप राउंड में देखें तो हम काफी डाउन चली गई थी, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था कि इतने मार्क्स पर भी हो सकता है इसमें एडमिशन, और फीस भी काफी इंक्रीज हो गई थी, तो लोगों ने डिम्ड में एडमिशन ले लिया था, अपने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया था। दूसरी बात, जो कर्नाटका स्टेट की जो सीट लेते हैं वो राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट ज्यादा लेते हैं। अगर राजस्थान का सेकंड राउंड पहले हो जाता है तो वो अपने पेमेंट सीट लेते हैं, और राजस्थान का सेकंड राउंड बाद में होता है, पता नहीं वहां राजस्थान में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो कर्नाटका में सीट ले लेते हैं। तो ये मैटर बड़ा इफेक्ट करता है कर्नाटका की कट ऑफ पर। तो दोस्तों ये जानकारी थी पूरी कट ऑफ के बारे में, और बाकी जैसे जैसे जानकारी मिलती रहेगी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। केरला त्रिपुरा का वीडियो अलग से बना के लेके आएंगे, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।